हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सम डेफिनेशंस जो कि हमें चैप्टर नंबर 7 में हेल्प आउट करेंगी इन अंडरस्टैंडिंग द थर्मोकेमिस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा आगे चल के हमने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में उनको जो है वो स्टडी करेंगे कि वो डेफिनेशंस क्या हैं और उनकी डिटेल क्या है। जो उनकी डेफिनेशन हमने मेनली स्टडी करनी है वो है जी नंबर 1 सिस्टम। सिस्टम क्या होता है। सेकेंड इज द सराउंडिंग्स एंड थर्ड वन आर द स्टेट फंक्शंस। इन तीन डेफिनेशंस ने आगे चल के थर्मोकेमिस्ट्री में खासा इस्तेमाल होना है। तो यहाँ पर हमें उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग्स एंड व्हाट इज द स्टेट फंक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या होता है। नंबर 1 इज द सिस्टम। सिस्टम हर वो चीज है विच इज अंडर कंसिडरेशन। एनी थिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन जिसको आप स्टडी कर रहे हैं दैट इज द सिस्टम। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी लैब हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, वो एक रूम हो सकता है, वो एक बीकर हो सकता है। हर वो चीज़ जिसको हम स्टडी कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ आर्ग्यूमेंट या उसको लर्निंग के लिए तो वो क्या कहलाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज द सिस्टम। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर द स्टडी, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो सिस्टम की डेफिनेशन वो आई कि हर वो चीज़ विच इज़ अंडर द स्टडी, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, वो है सिस्टम। अब सेकेंड है जी सराउंडिंग्स। यूनिवर्स का वो तमाम पोर्शन जो कि सिस्टम के अलावा है दैट इज़ द सराउंडिंग्स। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स, रिमेनिंग पोर्शन, एक पोर्शन वो है जो कि अंडर स्टडी है वो है सिस्टम। एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास ये कॉन्सेप्ट बड़ा फर्म हो जाना चाहिए कि जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो चीज़ है वो क्या है, वो है आपके पास सराउंडिंग। अब इन दोनों के साथ ही एक और चीज़ भी इनके साथ एसोसिएटेड है जो कि है बाउंड्री। अब जाहिर सी बात है वो क्या चीज़ है जो कि इनको सेपरेट कर रही है। तो जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है दैट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री। तो बाउंड्री की डेफिनेशन है द रियल और इमेजिनरी सरफेस रियल और वो इमेजिनरी सरफेस जो क्या करे विच सेपरेट्स सेपरेटिंग द सिस्टम किससे सेपरेट करे सिस्टम को फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो वो चीज़ जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर दे दैट वुड बी कॉल एज बाउंड्री। दैट कैन बी रियल एंड दैट कैन बी इमेजिनरी एज वेल। अब होता क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है और मेरे पास एक मोल ऑक्सीजन गैस है। तो ये एक मोल ऑक्सीजन गैस जो मैं स्टडी कर रहा हूँ दैट इज़ द सिस्टम। और इसकी जो सी सराउंडिंग है वो क्या है, इसका ये पिस्टन, ये सिलेंडर और ये तमाम का तमाम इसके इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ द सराउंडिंग ऑफ दिस सिस्टम। और पीछे बचा आपके पास इसकी जो सी है बाउंड्री। बाउंड्री ये है कि जो सराउंडिंग को सिस्टम से अलहदा कर रही है, ये जो बीकर की वॉल है, ये जो सिलेंडर की वॉल है, दिस इज़ द बाउंड्री। तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का कॉन्सेप्ट जो सा है वो आपके केस में, आपके माइंड्स में वो बहुत ज़्यादा
क्लियर हो जाना चाहिए. सिमिलरली अगर एक कप ऑफ वाटर मैं ले रहा हूँ, इफ आई हैव अ कप कप ऑफ वाटर, दिस इज अ कप फिल्ड विद वाटर, तो ये जो वाटर है दैट इज द सिस्टम. ये जो इसके इर्द गिर्द कप है, इसके इर्द गिर्द जो यहाँ पर हर जगह एयर मौजूद है, दैट इज दी सराउंडिंग्स. तो साबित ये हुआ कि हर वो चीज़ जो के अंडर कंसिड्रेशन है वो सिस्टम है, और जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं वो उसकी सराउंडिंग जो है वो कहलाती हैं, और वो जो चीज़ इसको सेपरेट कर रही होती है वो होती है बाउंड्री. इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रहा है, वो कहता है जी कि आप सपोज करें कि आपके पास एक रिएक्शन है, एक बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, दिस इज अ बीकर जिसके अंदर ये सोल्यूशन मौजूद है और रिएक्शन हो रहा है जो हमने आगे भी पढ़ा था, जिंक और कॉपर सल्फेट का. ये मिलके बना देंगे जिंक सल्फेट और कॉपर. ये जो है दिस इज़ दी बाउंड्री, जो कि क्या कर रही है, एयर को सेपरेट कर रही है. ये हमारा सिस्टम है जिसके अंदर ये सारा चीज़ें मौजूद हैं. दिस इज़ आवर सिस्टम एंड दिस इज़ दी बाउंड्री. सिमिलरली ये बीकर की वॉल भी क्या है, बाउंड्री है, और ये इर्द गिर्द की जो एयर है ये सारा कुछ इसकी सराउंडिंग्स है. तो ये बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पास आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. अब हम चलते हैं जो असल इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात है, दैट इज द स्टेट फंक्शन. कि स्टेट फंक्शन क्या होता है. अब स्टेट फंक्शन जो सा है वो बेसिकली एक कंडीशन है आपके पास सिस्टम की. होता क्या है कि जब भी अगर ये आपके पास एक सिस्टम है, जब भी इसके ऊपर कोई प्रोसेस हम करेंगे, कोई भी प्रोसेस, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल ऑल्टर. सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा. सिस्टम में चेंजिंग आ जाएगी. अब वो चेंजिंग क्या होगी, वो किसी भी तरह की चेंज हो सकती है. अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसको फर्दर समझते हैं कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर हम प्रोसेस लगाएंगे और उसमें चेंज आएगा, तो जो चेंज आएगा वो स्टेट फंक्शन होगा या नहीं होगा. वो ये कहता है जी कि आप कंसीडर करें कि यू हैव अ बीकर ऑफ वाटर, इसके अंदर आपके पास वाटर जो है वो मौजूद है. अब ये एक सिस्टम है आपके पास जिसका क्या है, एक कोई ख़ास टेम्परेचर होगा, इसका ख़ास वॉल्यूम होगा. अभी आपने इसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं लगाया, अभी ये ऐसे का ऐसे ही है, तो आपके पास एक इनिशियल कंडीशन होंगी विदाउट प्रोसेस. अभी प्रोसेस आपने स्टार्ट नहीं किया एंड यू हैव द इनिशियल कंडीशन जिनके ऊपर ये काम कर रहा है. सही हो गया. अब ये जो इनिशियल कंडीशन या इनिशियल स्टेट है, इसके बाद जब मैं इसके ऊपर कोई प्रोसेस करूँगा, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, अब जब मैं हीट करूँगा और ख़ास टाइम के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो चुका होगा और मेरे पास नई कंडीशंस आ जाएंगी जो कि क्या होंगी, फाइनल कंडीशंस या के फाइनल स्टेट. अब क्या हुआ, मैंने जब हीट किया तो सिस्टम क्या हुआ, ये जो सिस्टम था सिस्टम में आई चेंजिंग, सिस्टम हुआ चेंज, और चेंज होने के बाद उसकी जो सी कंडीशंस थी वो नए लेवल पे पहुंच गई जो कि थी फाइनल कंडीशन या फाइनल स्टेट. अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इनिशियल स्टेट को, इनिशियल कंडीशंस को जो है फाइनल कंडीशंस के साथ कंपेयर करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे. सपोज करें कि हमारे पास जो बीकर था इसके अंदर वाटर मौजूद था, इसका टेम्परेचर जो था वो T1 था, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर था. फिर हम मैंने इसको किया हीट, और जब मैंने इसको हीट किया तो मेरे पास एक फाइनल टेम्परेचर आ गया विच इज़
ना न्यू टेम्परेचर T2। अब सिस्टम जो है ये सिस्टम हैज़ अंडरगोन अ चेंज, सिस्टम एक चेंज से गुजरा, उसका टेम्परेचर बदल गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंस कि डेल्टा टी इनका डिफरेंस क्या होगा इन दोनों टेम्परेचर्स का। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल टेम्परेचर में से मैं इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा डेल्टा टी द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर इज़ दी स्टेट फंक्शन। अब इस सब चीज़ को समझने के बाद वी आर एबल नाउ टू डिफाइन स्टेट फंक्शन, एंड स्टेट फंक्शन इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, वो प्रॉपर्टी जो कि मेजर की जा सके, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, हीट हो गई, टेम्परेचर हो गया। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, स्टेट फंक्शन क्या है, एक सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है विच हैज़ सम डेफिनेट वैल्यूज़, जिसकी एक खास वैल्यूज़ होंगी, विच हैज़ डेफिनेट वैल्यूज़ फॉर टू स्टेट्स। कौन सी स्टेट्स, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब इनिशियल स्टेट पे भी उसकी कोई वैल्यू मौजूद हो और फाइनल स्टेट पे भी उसकी कोई वैल्यू मौजूद हो, तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, स्टेट फंक्शन। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसी डेफिनेशन में, वो ये है कि दिस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अडॉप्टेड फॉर द चेंज। ये इम्पोर्टेंट बात है, आखिरी जो लाइन है वो ये कह रहा है कि चेंज जो है स्टेट फंक्शन, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने T1 से T2 पे लेके जाने के लिए क्या तरीका अपनाया है, ये इस चीज़ से इंडिपेंडेंट होगा स्टेट फंक्शन। ये वो माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी है जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ तो मौजूद हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड के कौन से रास्ते से गुजर के जो है वो आया है। सिमिलरली आप जो है इसके डिफरेंट, और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी विद कैपिटल लेटर्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विद कैपिटल लेटर, हम इसको कैपिटल लेटर्स से जो है वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर है तो वी विल राइट इट एज पी, कैपिटल पी। सिमिलरली टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स आर, दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे अगले टॉपिक में आएगा। एच होती है एंथैल्पी, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का तो आपको पता है। दीज ऑल आर दी स्टेट फंक्शंस। अब द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगेन, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ का क्या मतलब है, इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज करें कि आई हैड अ गैस इन अ सिलेंडर जिसका वॉल्यूम V1 था, ये इसकी इनिशियल स्टेट थी V1। मैंने क्या किया, इसको कुछ प्रोसेस में से गुजारा और इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, दिस इज़ नाउ फाइनल स्टेट। मेरे पास जो डेल्टा वी होगा वो आएगा V2 माइनस V1 से, और मेरे पास ये वैल्यू स्टेट फंक्शन कहलाएगी। लेकिन इस चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करेगी कि मैंने किस रास्ते से जो है इसका वॉल्यूम बढ़ाया है। मैं टेम्परेचर चेंज करूं, अगर गैस को हीट करूं तो भी वॉल्यूम बढ़ सकता है, मैं अगर प्रेशर को चेंज करूं तो भी वॉल्यूम जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो स्टेट फंक्शन जो है डेल्टा वी, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैं टेम्परेचर के रास्ते से चेंज लेके आया हूँ या प्रेशर के रास्ते से चेंज लेके आया हूँ या किसी और तरीके से चेंज लेके आया हूँ। दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दैट विल डिपेंड के बस चेंज कितनी वैल्यू हुई है इनिशियल से फाइनल। तो दीज आर द जो हैं स्टेट फंक्शंस कहलाती हैं, विच ओनली डिपेंड, जिस चीज़ पे ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट।
बट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ के किस रास्ते से चेंज आया है उस पर डिपेंड नहीं करेंगी. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट फंक्शन. और ये तीन डेफिनेशन जो थी सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन हमने स्टडी की, ताकि अब हम जब लॉज की तरफ जाएं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करें, तो वी कैन हैव अ बेटर ग्रिप ऑन दैम. तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द डेफिनेशंस.